केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित एनआरसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिंदू के मसले पर कुछ नहीं बोलते। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई राज्यों में एनआरसी लाने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूसीसी और वन नेशन वन गोल जल्दी आएगा, वन नेशन वन गोल यूसीसी जल्दी आएगा, इसमें शंका कहाँ है? कुछ लोगों को शंका है। बी राजा तब बोल रहे हैं कि आप लोगों का यही अब एजेंडा रह गया है। एजेंडा पता है कि देश में फॉरेन एक्सचेंज कितना बढ़ गया है, देश में एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है। 19 लाख करोड़ का था, वो 80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ऐसे थोड़े ही जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो योजना है, पूरे दुनिया का विकास और भारत के विकास की तुलना कर तो ले, आज भारत दुनिया में सबसे तेजी रफ्तार से विकसित होने वाला राष्ट्र बन गया है। इसीलिए अब जरूरत है एक देश एक कानून, यूसीसी भी जरूरत है। अब कई राज्यों में एनआरसी भी लाने की जरूरत है। बिहार है उसमें भी, बिहार है उसमें, जहां जरूरत है वहां एनआरसी की भी जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव केवल नारों से नहीं होगा। जो आप कह रहे हो जुटोगे तो जीतोगे, आप हिंदुओं को बांट करके और मुसलमानों को साथ लेकर के चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना आपकी है। हर विधानसभा के मुख्य चुनाव है, फाउंडेशन में मनाया गया और झारखंड में चुनाव, वहां की सरकार ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन ने मनाया गया लेकिन वहां की सरकार ने इसका बहिष्कार कर दिया। कश्मीर की सरकार फाउंडेशन डे का बहिष्कार करे या सम्मान करे, हमें उसके सम्मान को बढ़ाना है। वो तो आतंकवादियों के साथ ही अपने को रखेंगे। बाइपोल में एनडीए जीतेगी। कांग्रेस कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के अरविंद कामत, उन्होंने महिला नेता के जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कैसे देखते हैं? ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती और पहले भी नहीं की, अब भी नहीं करेगी। राहुल गांधी क्यों चुप है इस तरह की बात से? राहुल गांधी खुद परेशान है खड़गे जी से। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं और खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। हिमाचल में अब इनके हैंकड़ी बंद हो गई है, जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं है। सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं है वेतन देने के लिए, ये खटाखट फटाफट सब बंद हो गया। ज्यादा एक सवाल है, झारखंड में चुनाव होने हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, झारखंड में बोलने में किसी को कोई रोक है?